कोरोना की वैक्सीन बनाने की तैयारियों और स्थिति को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने की हाई लेवल मीटिंग। पीएम मोदी ने अधिकारियों से कहा, समय से टीका विकसित करने और लोगों तक पहुंचाने के लिए तकनीक का पूरा किया जाए इस्तेमाल। तो वही उत्तराखंड में बढ़ती पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत समेत सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने राजभवन के बाहर दिया सांकेतिक धरना। वहीं 1 जुलाई से उत्तराखंड के लोग कर पाएंगे चार धाम की यात्रा। चार धाम देवस्थानम बोर्ड ने यात्रा के लिए गाइडलाइन की जारी। सोशल डिस्टेंसिंग और स्क्रीनिंग के बाद ही जाने की मिलेगी अनुमति। तो वहीं हरियाणा के सोनीपत में गश्त के दौरान 2 पुलिसकर्मियों की गोली मारकर हुई हत्या। देर रात गश्त के दौरान निकले थे दोनों, हत्या के बाद आरोपी हुए फरार। नमस्कार, न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं आयुषी नेगी। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की एक बड़ी खबर से। तो आपको बता दें कि बड़ी खबर, भारत में 59 चीनी ऐप बैन के बाद चीन कर रहा बड़े साइबर हमले की तैयारी। एक साथ 20 लाख लोगों को मेल भेजने की तैयारी है, सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। मेल का विषय हो सकता है फ्री कोविड-19 टेस्ट। पूर्व में भारत सरकार की ओर से इस बारे में अलर्ट भी किया गया था। तो वहीं चीनी ऐप बंद होने के बाद चीन ये बड़ा कदम उठा सकता है। भारत में चीनी ऐप पर चीन के विदेश मंत्री ने कहा है कि चीन को इसका दुख है और स्थिति की जानकारी ली जा रही है। तो बड़े साइबर हमले की तैयारी फिलहाल चीन की तरफ से की जा रही है। एक साथ 20 लाख लोगों को मेल भेजने की तैयारी की जा रही है। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए विशेष संवाददाता शेखर आनंद त्रिवेदी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हैं। शेखर, जिस तरीके से कल तमाम चीनी ऐप्स को बंद करने का, बैन करने का यहां पर भारत सरकार ने फैसला लिया था, उसके बाद कहीं ना कहीं चीन बौखलाया हुआ है और सूत्रों के हवाले से फिलहाल ये खबर आ रही है कि एक बार साइबर अटैक भारत पर हो सकता है, क्या कुछ पूरी जानकारी है? देखिए, ऐसा है कि चाइना सिर्फ बौखलाया नहीं है, वो ऑलरेडी इतना ज्यादा उसको उसकी घेराबंदी हो चुकी है कि अब वो अपनी तरह से अटैक ही करेगा। साइबर अटैक का आपने नाम लिया है, इसमें कोई दुराई नहीं है कि कल 59 जो ऐप हैं उनको बैन करने के बाद अब चाइना इस तरीके से कुछ ना कुछ जरूर करेगा, क्योंकि जो डिटेल्स उसके पास हैं, यूसी न्यूज है, उसके जरिए बहुत सारे हिंदुस्तान के पत्रकार ऐसे हैं जो वहां पर अपना अकाउंट नंबर, अपना अन्य डिटेल्स वगैरह सब उन्होंने दिए, आधार की कॉपियां हैं उसके पास। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो अलग अलग ऐप्स के जरिए आपने इंफॉर्मेशन के रूप में उस कंट्री तक पहुंचाई हैं, तो उनका मिसयूज हो सकता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। इसलिए लोगों को जरूरत है कि वो उस चीज की सुरक्षा और ज्यादा मजबूत करें। रही बात इसकी कि चाइना बौखलाया है नहीं, तो चाइना की स्थिति इस तरीके से कि भारत सरकार जो अब काम करने जा रही है उसके बाद चीन की चिंचनाहट देखने वाली होगी। 5G को लेकर के भारत सरकार चाइना की तरफ से जो इक्विपमेंट्स हिंदुस्तान में आ रहे थे या जो कंपनियां उससे टाई अप करके चीजों को चलाने की कोशिश करने जा रही थी उसको भी बैन करने की पूरी तैयारी भारत सरकार ने कर ली है। तो ये चाइना के लिए एक और बड़ा झटका होने वाला है। BSNL को पहले ही कह दिया गया है कि आप सारे चाइनीज डीलिंग को कैंसिल कर दीजिए। इसके अलावा चाइना की तरफ से जो इम्पोर्ट बहुत सारा सामान है, मेडिकल का बहुत सारा ऐसा सामान है जो हिंदुस्तान में चाइना से एक्सपोर्ट होता था, उन सब चीजों पर भी बैन लगने जा रहा है। और ये कल जो मीटिंग हुई है उसमें चर्चा हुई है, मेरे विश्वस्त सूत्रों ने ये जानकारी दी है कि जब 59 ऐप्स को प्रतिबंधित करने का फैसला किया गया है उसी समय ये खाका भी तैयार कर लिया गया है कि किस किस तरीके से चरणबद्ध तरीका अपनाकर चाइना के तमाम चीजों को बैन कर देना है हिंदुस्तान में। तो ये सरकार एक कदम कल चल चुकी है।
उससे आगे की चीजें आप देखने को मिलेंगी। और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि जिस तरीके से चाइना की वस्तुओं को प्रतिबंधित किया जा रहा है, जिस तरीके से चाइना की प्रोडक्ट्स को हिंदुस्तान में जलाया जा रहा है, एसी हो, टीवी हो, उसके उसके पार्ट्स हो, इन सभी चीजों को एक एक करके बैन करने की न सिर्फ तैयारी है बल्कि अलग अलग विरोध प्रदर्शन जो हो रहे हैं उसमें लोग उसको फूंक ताप भी रहे हैं। तो ये देख करके चाइना को जरूर इस बात का आभास हो रहा होगा कि उसने गलत पंगा ले लिया है। और आने वाले दिनों में हमें ये देखने को मिलेगा कि चाइना अपनी तरफ से कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजिकल एंड पे ऐसे अटैक्स कर सकता है जिससे भारत को नुकसान पहुंचाया जा सके, लेकिन भारत भी पूरी तरह से सक्षम है इन चीजों को रोकने में। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद शेखर आनंद त्रिवेदी तमाम जानकारी देने के लिए। तो साइबर एक्सपर्ट प्रिया सांकला हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुकी है, उनसे जान लेते हैं कि आखिरकार क्या कुछ ये साइबर अटैक होता है। प्रिया, जिस तरीके से कल हमने देखा था कि भारत सरकार के द्वारा एक बड़ा फैसला लिया गया, 59 चीनी एप्स को यहाँ पर बैन कर दिया गया, तो माना यह जा रहा है कि चीन की तरफ से अब एक साइबर अटैक करने की फिलहाल कोशिश की जा रही है। जानना चाहेंगे हम, और हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आखिरकार जो ये साइबर अटैक है ये होता क्या है और किस प्रकार से ये लोगों के लिए घातक हो सकता है। जी मैडम, जैसे अभी चाइना का साइबर अटैक है, उनका मेन मुद्दा अटैक करने का फॉर्मेट रहेगा ईमेल एसएमएस के माध्यम से, जिसे फिशिंग अटैक कहा जाता है। और इस अटैक में उनका मेन पर्पज होगा लोगों की पर्सनल और बैंकिंग रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेना। अब जैसा अभी काफी दिनों से भारत सरकार ने एक एसएमएस चला रखा था कि NCOV2019@gov.in, इससे सिमिलर ईमेल आईडी से आपके पास मेल आ सकता है फ्री कोरोना टेस्टिंग के लिए, कोई विनिंग लॉटरी हो गया या फ्री स्कीम के लिए। तो लोगों को उस तरह के मेल को अवॉइड करना चाहिए। मेन चीज होता है जैसे ही उनके पास कोई एसएमएस आता है, चाहे वो कोरोना रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो, कोई रिवार्ड या कैशबैक ऑफर हो, वो डायरेक्ट उस पर क्लिक कर देते हैं। जी, तो वो क्लिक करना से बचना चाहिए उन्हें, चाहे वो मेल उन्हें लगे कि गवर्नमेंट सरकार हमारी भारत सरकार ने भेजा है, स्टिल वो उन पे क्लिक ना करें। जी, ये मेजर चीज है जिससे उनको सेफ्टी रहेगी। जी प्रिया, जिस तरीके से इससे पहले शेखर जो हमारे संवाददाता है उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया था कि कहीं ना कहीं पहले भी ऐसे अटैक करने की कोशिश की जाती थी तमाम देशों के द्वारा, लेकिन भारत फिलहाल सक्षम है। तो भारत सरकार के पास क्या कुछ विकल्प है ऐसे अटैक से बचने के लिए? तो भारत सरकार के पास जो विकल्प है उसको वो काफी अच्छे से यूज कर रही है, वो काफी माध्यम से अवेयरनेस ला रही है, स्टेट गवर्नमेंट भी हेल्प कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू भी मैसेज स्प्रेड किए जा रहे हैं कि आपको किस तरह की ईमेल और एसएमएस से बचना चाहिए। मगर एंड पब्लिक जो है, जो इस वक्त हमारे दर्शक हमें देख रहे हैं, उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि उनके पास जो मेल आया है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है भारत सरकार की मेल आईडी से। तो इस तरह के सिमिलर मेल को वो सिर्फ रीड करे, ना कि उन्हें ओपन करे जो अटैचमेंट उनके पास आ रहा है। जब तक कोई नोन पर्सन, उनका कोई नोन हो, वो उन्हें कोई अटैचमेंट नहीं भेजता, तब तक इस तरह के अटैचमेंट को उन्हें अवॉइड करना चाहिए। जी हाँ, पहले भी इस तरह के काफी अटैक हुए हैं, मगर इस बार इन्फॉर्मेशन सेंसिटिव इसलिए हो गई है क्योंकि कई ऐप के माध्यम से, जैसा अभी सर बता रहे थे कि उनके पास आधार कार्ड या काफी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन जा चुकी है, अब उन्हें इन्फॉर्मेशन जस्ट एक वेरिफिकेशन पर्पज के लिए चाहिए। जी, तो उन्हें अपनी पर्सनल और बैंकिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन आए हुए किसी भी फ्री स्कीम या फिर ऑफर से रिलेटेड मेल पर डालने से बचना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो यहाँ पर साइबर लॉ एक्सपर्ट पवन दुग्गल जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में आपका। पहला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि जिस तरीके से साइबर अटैक की फिलहाल यहाँ पर बातचीत की जा रही है और कई बार भारत सरकार इसको लेकर पूरे देश को यहाँ पर पहले भी चेताया गया था, आपसे जानना चाहेंगे अगर ऐसा अटैक होता है तो फिलहाल हमारे कानून के पास क्या कुछ इसके लिए विकल्प है? देखिए, आज अगर अटैक होता है तो कानूनी स्वरूप से भारत पूरी तरीके से अनप्रिपेयर्ड है। उसका कारण यह है कि भारत के पास कोई साइबर सुरक्षा संबंधी कानून नहीं है। जो राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति थी 2013 की, वो भी केवल एक कागजी घोड़ा बनकर रह गई। तो अब आवश्यकता है कि हम डेडिकेटेड साइबर सुरक्षा कानून लेकर आए। बातें हो रही है कि सरकार कुछ राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा स्ट्रैटेजी बनाने वाली है 2020 को लेकर। साथ ही साथ मुझे लगता है कि डेटा प्रोटेक्शन संबंधी कानून लाना चाहिए, लेकिन COVID-19 में जो हमने सीखी है उनको भी इस कानून में आपको शामिल करना चाहिए। जी पवन जी, जिस तरीके से साइबर एक्सपर्ट हमारे साथ इससे पहले जुड़े हुए, तो उन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं जो छोटी मोटी चीजें होती है, नोटिफिकेशन यहाँ पर ऐसे साइबर अटैक्स के लिए किए जाते हैं, नोटिफिकेशन भी भेजे जाते हैं, और आजकल कोरोना को कहीं ना कहीं निशाना बनाया जा रहा है, कोरोना को लेकर यहाँ पर मैसेज किए जा रहे हैं। अगर फिलहाल कोई इंसान ऐसी चीजों को खोल लेता है, ऐसे नोटिफिकेशन को खोल लेता है, इस तरह की चीजों के झांसे में आ जाता है, तो आगे क्या कुछ विकल्प उसके पास कानून के तौर पर रहेंगे? देखिए,
अगर आप किसी प्रकार के साइबर क्राइम या साइबर सुरक्षा ब्रीच के विक्टिम हो जाते हैं, तभी भी आपके पास विकल्प है, आपको तुरंत इस मैटर को रिपोर्ट करना है लोकल थाने में जाके, ना तो ऑनलाइन रिपोर्ट कर सकते हैं आप इसे, सरकारी एजेंसी का प्लेटफॉर्म है cybercrime.gov.in। साथ ही साथ अगर आप किसी बैंक का क्रेडिट कार्ड का दुरुपयोग हुआ है या कोई बैंक अकाउंट का दुरुपयोग हुआ है, तो बैंक को या क्रेडिट कार्ड कंपनी को भी आपको सदैव इन्फॉर्म करना पड़ेगा लिखित में। कानूनी मुकदमा दर्ज हो सकता है, 3 साल की सजा है, 5 लाख रुपए जुर्माना है, और अगर व्यक्ति विशेष की आइडेंटिटी आपको पता लग जाए तो आप उनसे हर्जाना भी मांग सकते हैं सेक्शन 43 और 43A भारत के सूचना प्रौद्योगिकी कानून के तहत। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद पवन जी तमाम जानकारी देने के लिए। एक और बड़ी खबर यहाँ पर इस वक्त की, भारत सरकार से जिम्मेदारी के लिए चीन लगातार नजर बनाए रखा हुआ है और बयान यहाँ पर दिए जा रहे हैं। तो चीनी ऐप बंद होने से चीन को फिलहाल अरबों रुपए का नुकसान यहां पर हुआ है, जिसकी बौखलाहट फिलहाल साफ तौर पर देखी जा सकती है। तो चीन समेत अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के अधिकारों की रक्षा करने की बात फिलहाल की जा रही है। तो आपको बता दें कि चीनी ऐप बंद होने से अरबों रुपए का चीन को नुकसान हुआ है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लियान का बौखलाहट फिलहाल साफ तौर पर देखी जा सकती है। अंतर्राष्ट्रीय कारोबार में भारत सरकार से जिम्मेदारी को लेकर चीन बयान दे रहा है, निवेशकों के अधिकारों की बात फिलहाल अब चीन के द्वारा की जा रही है। आपको बता दें कि कल भारत सरकार द्वारा 59 चीनी ऐप्स को भारत में बैन कर दिया गया है, जिसके बाद लगातार चीन की बौखलाहट दिख रही है। निवेशकों के अधिकारों की रक्षा करने की बात फिलहाल अब चीन के द्वारा की जा रही है। माना यह जा रहा है कि इन सभी चीनी ऐप के बंद होने से चीन को अरबों रुपए का नुकसान हुआ है। शेखर आनंद त्रिवेदी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विशेष संवाददाता। शेखर, अब जिस तरीके से पहले भी हम बातचीत कर रहे थे, बौखलाहट एक बार फिर से दिखने लगी है, चीनी विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान भी लगातार सामने आ रहे हैं, अब निवेशकों के अधिकारों की रक्षा करने की बात अब इस यहाँ पर की जा रही है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि चाइना इस तरीके की बौखलाहट के लिए इंतजार ही हो रहा था कि वो कब बौखलाएगा। तो अब जिस तरीके से उसकी बौखलाहट शुरू हुई है, वो अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि भारत सरकार जिस तरीके का रुख रखे हुए है उसका क्या असर चाइना पर पड़ रहा है और आगे भी पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय जहां तक निवेशकों की बात है, तो देखिए बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिस पर ओपन मार्केट होती है, प्ले स्टोर में जा करके और दुनिया में कोई कहीं से भी किसी भी ऐप को डाउनलोड कर सकता है, उसका इस्तेमाल कर सकता है। भारत सरकार ने जिस तरीके से, मैंने आपको बताया कि इन ऐप्स को प्रतिबंधित किया है, उसके बाद कई और चीजें हैं जिसको प्रतिबंधित करने की तैयारी है। तो ये कोई भी सरकार अपने देश के नियम कायदे कानून को ध्यान में रखते हुए, अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इन चीजों को करने के लिए सतर्क होती है। हर इंटरनेशनल एग्रीमेंट में एक क्लॉज पड़ा होता है जिसमें इस बात को लिखा जाता है कि भारत की सुरक्षा, भारत की सीमाओं की सुरक्षा, भारत की जनता की सुरक्षा के मद्देनजर आप सभी नियमों का, सभी संधियों का पालन करेंगे। इस तरीके की एक लाइन हर एग्रीमेंट में, इंटरनेशनल एग्रीमेंट में होती है। जाहिर सी बात है कि चाइना और लद्दाख के, भारत और चाइना के बीच में लद्दाख में जिस तरीके की स्थिति है, उसमें न सिर्फ भारत की सीमा बल्कि भारत के लोगों के व्यक्तिगत जानकारियां तक इस समय जो है वो संदेह के घेरे में आ गई है, उनकी सुरक्षा खतरे में पड़ गई है। तो भारत सरकार ने एक डिसीजन लिया है, और इसके अलावा आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह चुके हैं। टिकटॉक जैसे न जाने कितने, या और जो भी चाइनीज ऐप है उनके जैसे न जाने कितने ऐप देसी वर्जन उसके हिंदुस्तान में डेवलप किए गए हैं, वो स्ट्रगलर्स हैं बेचारे ऐप के डेवलपर्स जो आज स्ट्रगल कर रहे हैं। तो आने वाले समय में चाइना को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, और चाइना इसके लिए तैयार रहे, वरना गलवान से लेकर के और हर सीमा से पीछे हटे। जी
बिल्कुल शिखर, जिस तरीके से आप भी लगातार बता रहे हैं कि बैन यहाँ पर फिलहाल ऐप्स पर लगाया गया और आगे और भी कुछ सरकार की तरफ से कदम यहाँ पर उठाए जा सकते हैं, क्या कुछ लगता है कि अब चीन की तरफ से क्या कुछ इन सब पर किया जाएगा, क्या कुछ स्टेप अब उनकी तरफ से देखने को मिल सकते हैं? साइबर अटैक की बात यहाँ पर हम कर ही रहे हैं, लेकिन और क्या कुछ देखने को मिल सकता है? देखिए, ऐसा है कि जैसे चाइनीज कंपनीज हिंदुस्तान में काम करती हैं, उसी तरीके से बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसपे भारत की कंपनियां चाइना में कारोबार कर रही हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि उस चीज का बदला लेने के लिए चाइना अपने यहाँ जो फैसिलिटेशन दिए हुए हैं, या चाइना से जिस तरीके की हमारी अब तक हमारे देश के कुछ बिजनेसमैन वहां से कारोबार करते आए हैं, उन चीजों को लेकर के और चाइना अलग तरीके से परेशान कर सकता है। और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि जो सस्ता माल चाइना का आता रहा है, उसकी वजह से जो एक डिपेंडेंसी हर क्षेत्र में बढ़ी है, उसको लेकर के चाइना उस चीज का फायदा उठाने की कोशिश करेगा। कोई दो राय नहीं है इसमें। भारत में 10 करोड़ यूजर्स थे टिकटॉक के, और अगर एक रात में आपके 10 करोड़ लोग एकदम से छूट जाए तो किसी भी कंपनी के लिए ये बड़ी बात होती है कि वो आय बाय साए हो जाएगी। उसके विदेश मंत्री हो चाहे प्रधान शी जिनपिंग ही क्यों ना हो, मुझे तो लगता है शी जिनपिंग को आज आना चाहिए था, अभी तो विदेश मंत्री से वो काम चला रहे हैं। लेकिन इसमें दो राय नहीं है कि चाइना ने जो हरकत की है उसके बाद उसको इसी तरीके के परिणाम न सिर्फ भुगतने पड़ेंगे, और बल्कि दुनिया भर के देश हैं जो इस तरीके से उसके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं। जैसे हवाई करके एक कंपनी है, डोनाल्ड ट्रंप ने उसको प्रतिबंधित कर दिया, अभी हिंदुस्तान में भी उसको प्रतिबंधित करने की तैयारी है। तो चाइना का संकट खत्म होने वाला नहीं है। चाइना ये तय करे कि वो क्या करेगा, अपनी सीमाओं को दूसरे की सीमा में अतिक्रमण करेगा या फिर अपने आप को बचाएगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद शेखर आनंद त्रिवेदी तमाम जानकारी देने के लिए आपका। तो चलिए बढ़ते खबरों की ओर। कोरोना काल खंड के लोग 1 जुलाई से चारधाम की यात्रा कर पाएंगे, इसे लेकर चारधाम देवस्थानम बोर्ड ने यात्रा के लिए गाइडलाइन भी जारी कर दी है, जिसके तहत उत्तराखंड के लोग ही चारधाम यात्रा कर पाएंगे। वहीं बीजेपी प्रवक्ता विनोद सोयाल का कहना है कि उत्तराखंड सरकार ने कोरोना काल के बीच प्रदेशवासियों को चारधाम यात्रा की अनुमति दी है, इसके साथ ही अब सरकार के अच्छे प्रयासों से धीरे धीरे चीजों को खोला जा रहा है ताकि अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट सके। साथ ही यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष रूप से ध्यान रखा गया है। साथ ही आपको बता दें कि यात्रियों के स्क्रीनिंग के बाद ही मंदिरों में जाने की अनुमति मिल पाएगी। उत्तराखंड की सरकार ने निर्णय लिया है कि जो चार धाम यात्रा है वो स्थानीय लोगों के लिए उसको खोल दिया जाए, क्योंकि जान है तो जहान है, तो अब जहान की भी बात करनी पड़ेगी धीरे धीरे, क्योंकि बहुत लंबे समय तक जो है तो सारे हमारे मठ मंदिर इत्यादि सभी बंद थे। अब सरकार ने उन्हें धीरे धीरे, चूंकि हम उसको धीरे धीरे अभ्यास से शुरू करेंगे, एकदम पूरे देश में तो नहीं खोला है, तो उसमें पूरी सोशल डिस्टेंसिंग, उनकी बिल्कुल थर्मल स्क्रीनिंग, सब तरह से उनकी पूरी जांच के उपरांत ही वो मंदिरों में प्रवेश कर पाएंगे। और मंदिर के बाहर से ही वो है, इस तरह से नहीं कि जो है सोशल डिस्टेंसिंग और एक चरणबद्ध तरीके से जो है तो इस यात्रा को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि जो ये चार धाम यात्रा है यहाँ की लाइफ लाइन है और इससे यहाँ के कई व्यवसाय जुड़े हुए, इस कारण इसको खोलना भी धीरे धीरे बहुत आवश्यक हो जाता है। तो वही उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने लगातार बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दामों का विरोध और पुलिस की ओर से दर्ज मुकदमों का विरोध किया। इस दौरान हरीश रावत ने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ मिलकर राजभवन के बाहर उपवास रखकर सांकेतिक धरना दिया है। हालांकि इस दौरान पुलिस ने हरीश रावत को राजभवन जाने से पहले ही बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया, जिसके बाद हरीश रावत ने कहा कि वे यहां से नहीं उठेंगे भले ही उन्हें जेल भेज दिया जाए। तो वही उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने पर हरीश रावत ने सरकार पर तंज कसा है। आपको बता दें कि देश में लगातार बढ़ते पेट्रोल और डीजल और गैस के दामों को लेकर विपक्ष ने बीजेपी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने पर हरीश रावत समेत कांग्रेस नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। विपक्ष की आवाज को कुचल देना चाहते हैं, मुकदमों के डर से दबा देना चाहते हैं, जनता के सवालों को उठाने वालों को आप थाना, जेल और कचहरी दिखाना चाहते हैं। तो
तो हमने भी तय कर लिया है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। आज मैं बैलगाड़ी में भगवान शिव के दर्शन करने गया, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, अकेले गया, लेकिन कुछ लोग आ ही गए होंगे। मास्क, सैनिटाइजर, सब चीजों का उपयोग। तो वही अगली खबर उत्तराखंड के नैनीताल से है, जहां एक कार अनियंत्रित होकर खाई में गिरने से चार लोग घायल हो गए। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने चारों घायलों को खाई से निकाला और चिकित्सालय भिजवाया गया है। आपको बता दें कि कार भवाली से नैनीताल की ओर आ रही थी कि तभी कोहरे के कारण ये हादसा हुआ। के माध्यम से सूचना मिली थी कि जो पाइंस के पास एक कार खाई में गिर चुकी है, तो हम लोग सभी पुलिस बल यहाँ मौके पर पहुँचे, तो चार लोग घायल थे, खाई में कार गिरी हुई थी, तो सभी को रेस्क्यू कर लिया गया है, सभी नैनीताल के निवासी हैं और इनको प्राथमिक उपचार हेतु बीडी पांडे हॉस्पिटल भेजा गया। झूठी जानकारी देकर घर वापसी करने वाले युवक पर पिथौरागढ़ पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की है। दरअसल नोएडा से लौटे एक युवक ने मेडिकल और पुलिस टीम को बताया था कि वो गाजियाबाद से लौटा है, जबकि जांच में पाया गया कि युवक नोएडा के रेड जोन से लौटा है। युवक ने संस्थागत क्वारंटीन से बचने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में भी गलत जानकारी दी। फिलहाल पुलिस ने युवक के खिलाफ हत्या की कोशिश सहित कई धाराओं में मामला दर्ज किया है। इसने बनाया और यहाँ पे सूचना भी मेडिकल अथॉरिटीज को और पुलिस अथॉरिटीज को इसने गलत दी है, तो इस जुर्म में इसके खिलाफ जो है आईपीसी की धाराओं में 269, 270, 307, 420 इन धाराओं में और साथ ही साथ 51B जो है आपदा प्रबंधन अधिनियम उसके अंतर्गत इस पे मुकदमा कायम किया गया है। नैनीताल हाईकोर्ट ने बहुमूल्य सरकारी जमीनों को खुदबुद कर औने पौने दामों में बेचने के मामले में नैनीताल हाईकोर्ट ने सख्त रूप अपनाते हुए भूमाफियाओं को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने को कहा है और इसे लेकर कोर्ट ने कहा है कि कैसे कोई सरकारी भूमि को खुदबुद कर ऐसे बेच सकता है। वहीं पूर्व में हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सरकार और जिला प्रशासन उधम सिंह नगर को नोटिस जारी कर पूरे मामले की जांच रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष पेश करने को कहा था, जिसके अनुपालन में सरकार ने अपनी रिपोर्ट के साथ विस्तृत जवाब दाखिल किया है और कहा गया है कि सरकारी लीज की जमीन पर बंदर बांट की गई है और कार्यवाही में 12 गाँव में फैली सरकारी जमीन की खरीद फरोख्त पर रोक लगा दी गई है, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने मामले में पक्षकार सभी बिल्डरों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मैं राज्य सरकार की 4805 एकड़ बहुमूल्य भूमि जो कि 12 गांवों में फैली हुई है उसके मिस अप्रोप्रिएशन के संबंध में ये PIL दाखिल की गई थी, जिसमें सभी पक्षकारों से जवाब मांगे गए थे और अभी जब राज्य सरकार द्वारा अपना जवाब दाखिल किया गया तो उसमें उनके द्वारा बताया गया है कि यह राज्य सरकार की भूमि लीज के बाद सरकार को अवधि पूरी होने के बाद भी वापस नहीं की गई थी और उसकी श्रेणी गलत तरीके से परिवर्तित करके उसको सेल कर दिया गया था, जिसके बाद जिलाधिकारी उधम सिंह नगर द्वारा इसमें उचित आदेश पारित करके और कार्रवाई करके इस भूमि के फर्दर हस्तांतरण पर रोक लगाई गई है और साथ ही जो शेष बची हुई भूमि है उसको खुर्दबुर्द करने पर भी उनके द्वारा रोक लगा दी गई है। और वही उत्तराखंड के खटीमा से सटे नेपाल की सीमा में भारत की ओर से सड़कों और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास काफी किया गया है, लेकिन संचार तंत्र के मामलों में पिथौरागढ़, चंपावत, उधम सिंह नगर के खटीमा जिले से लगी हुई नेपाल सीमा में हालात काफी खराब हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा बना है। चंपावत जिले ब्रह्मदेव से लेकर पिथौरागढ़ जिले चीन नेपाल सीमा से लगती जगह कालापानी तक नेपाल में अपना संचार तंत्र काफी मजबूत किया है। वहां के भारतीय दुकानदार से लेकर सभी बॉर्डर पर रहने वाले लोग नेपाली सिम का उपयोग करते हैं। आपको बता दें कि सोशल मीडिया में हो रहा वायरल वीडियो भी नेपाली मूल के लोग भारत को गाली गलौज करते नजर आ रहे हैं। ट्रक आता है यहाँ पर और फुल आता है और यहाँ से आधा किलोमीटर पर नेपाल पड़ता है और यहाँ सब यहाँ के जितने दुकानदार हैं नेपाल पर निर्भर हैं। यहाँ पर आना जाना इसलिए बंद हो गया चाइना का और नेपाल का संबंध होने से यहाँ का खराब हो रहा है। नेपाल बॉर्डर नजदीक है, यहाँ से खटीमा यहाँ से 10-12 किलोमीटर है, मार्केट वही पड़ती खटीमा, छोटा सा कस्बा है मेलाघाट और आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर नेपाल पड़ता है और समस्या क्या जो चीन और इंडिया की
तानातानी चल रही है, उससे भी नेपाल में विरोध चल रहा है इंडिया का। और आगे क्या है कि जो मेलाघाट बाजार है सब वो नेपाल पे ही निर्भर है। वही उत्तराखंड के लक्सर तहसील में आज कांग्रेस जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में बढ़ती महंगाई को लेकर राष्ट्रपति के नाम उपजिलाधिकारी लक्सर के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें देश में डीजल पेट्रोल और रसोई गैस की कीमतों में हो रही आए दिन वृद्धि के विरोध किया गया है। साथ ही इन दामों को कम करने की मांग भी की गई है। वहीं अगली खबर उत्तराखंड के चमोली से है, जहां बद्रीनाथ हाईवे लामबगड़ में सड़क पर मलबा आ जाने से हाईवे पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। आपको बता दें कि इन दिनों बद्रीनाथ हाईवे में सड़क चौड़ीकरण का कार्य किया जा रहा है, जिसके चलते लामबगड़ में बार बार सड़क बंद हो रही है। वही उत्तराखंड के पौड़ी में मॉनसून सीजन शुरू होते ही जिला खाद्य आपूर्ति विभाग पौड़ी ने अपनी सभी तैयारियां पूरी कर ली है। मॉनसून सीजन में अक्सर रोड़े टूट जाने के कारण कई दिनों तक रास्ते बंद हो जाते हैं, जिसके चलते खाद्य सामग्री पहुंचाने में बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसी को देखते हुए जिला पूर्ति विभाग पौड़ी ने अपने सभी गोदामों में आने वाले 3 महीनों के राशन भरकर रख लिया है। जिला पूर्ति अधिकारी के एस कोहली ने बताया कि मॉनसून को देखते हुए केंद्र सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार आने वाले समय के लिए पर्याप्त मात्रा में रसद गोदाम में भर लिया गया है, जिसे पहाड़ी क्षेत्रों में रसद की कोई दिक्कत नहीं होगी। सरकार के द्वारा जो 3 महीने का हमें आवंटन किया गया है वो हमने पूर्ण उठान कर लिया है उसका, और जो हमारे कम से कम 7-8 गोदाम ऐसे हैं जहाँ प्रभावित होते हैं वर्षा काल में, तो वहाँ के गोदामों को पूरा फिलअप कर दिया गया है और वहाँ दुकानदारों के माध्यम से भी वितरण करवाया जा रहा है, ताकि रास्ते बंद होने पर जो लोगों को समय पर राशन मिल सके। बाकी गोदामों में हमारा जो हमने 3 महीने का स्टोरेज किया है, और हम जो हमारे शहरी क्षेत्रीय गोदाम है या ऐसे क्षेत्र जहाँ आपदा नहीं आती है, तो हमने गोदामों में संग्रहण किया है, ताकि अगर कोई ऐसी आपातकाल स्थिति आती है तो हम तत्काल उसका भी वितरण कर सकें। तो वही उत्तराखंड के लक्सर क्षेत्र के जीवारेड़ी गांव में एक व्यक्ति की धारदार हथियार से हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। आपको बता दें कि एसएसपी के निर्देश पर रुड़की और लक्सर पुलिस की एक टीम गठित की गई थी, जिसे जांच में कुछ अहम सुराग मिले, जिन पर काम करते हुए पुलिस ने सहारनपुर निवासी अमन नाम के एक युवक को गिरफ्तार किया है। संज्ञान में आई थी। उक्त घटना पर उसके भाई सोमपाल की तहरीर पर अंतर्गत धारा 302 ITC अभियोग पंजीकृत किया गया, और उक्त घटना के खुलासे हेतु कोतवाली लक्सर की टीम और CIU रुड़की की टीम गठित की गई। उक्त टीमों के द्वारा सफल अनावरण करते हुए इसमें अभियुक्त अमन पुत्र परवेश निवासी बेहट सहारनपुर को गिरफ्तार किया गया, और उसकी निशादेही पर घटना में प्रयुक्त आला एकत्र और घटना के समय पहने हुए कपड़े, ये सभी बरामद कराए गए। तो वही उत्तर प्रदेश के मथुरा में 2 रोडवेज कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद मथुरा डिपो के सभी रोडवेज कर्मचारी अपनी ड्यूटी करने से मना करने लगे हैं, लिहाजा रोडवेज बसों का परिचालन पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पाया, जिसके बाद मामले पर संज्ञान लेते हुए डिप्टी कलेक्टर राजीव उपाध्याय ने रोडवेज डिपो में कैंप लगाकर 60 रोडवेज चालक और परिचालकों की जाँच करवाई है। के चालक और परिचालकों का कोरोना टेस्ट कराया जा रहा है, क्योंकि इससे पहले 2 चालक और परिचालक संक्रमित मिल चुके हैं कोरोना से। पुराना बस स्टैंड पर, नया बस स्टैंड पर जब मैंने भ्रमण किया तो इन लोगों में भय था, ये लोग चाहते थे कि हमारी कोरोना की टेस्टिंग करा दी जाए, जल्दी से जल्दी होनी चाहिए। मैंने आदरणीय जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी को पत्र लिखा और आज 29 जून की तिथि तय की गई। आज उसी लिए सभी ड्राइवर्स एंड कंडक्टर्स यहाँ उपस्थित हैं और उनका
विशेष अभियान के तौर पर रोडवेज वर्कशॉप में कोरोना की टेस्टिंग कराई जा रही। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज इंडिया।